बस है तो उस वाले बस में करें आजमगढ़ जाएगा, तो उसमें बैठे हैं तो बोलने के आजमगढ़ नहीं जाएगा, उतरिए उतरिए, ठीक है उतार दिए। सरकार के लिए तो धन्यवाद कहना चाहिए, जब ले जाने वाले ले जाए तब तो धन्यवाद कहें। ट्रेन जाते हैं लोग, अब फ्री में जाए तो ना जाए जो लोग, यही कारण लगा था। हाँ ये कारण है, देखो इतना देरी लेना बस, अब लोग तो कई को बस कर रहा है भैया, कुछ पता नहीं है, लोग कह रहे नहीं जाएगी कोई बस नहीं जाएगी यहाँ से। आपने पानी लगने की वजह से अंदर डीजल भरने के लिए बस नहीं जा पा रही थी, बस फंस रही थी, तो इसीलिए वो सारे डब्बे में ला के तेल भरा जा रहा था, इसलिए थोड़ी देरी हुई। अब सारे बसेस फिर से चलना शुरू हुआ। ये डिले का कारण इनसे हम लोग पता कर लेंगे, इसमें जांच करके पता करेंगे कि इतना डिले क्यों हुआ है, जो समय से निर्धारित समय पर इन्हें जाना था। समय हम मौजूद हैं गाजीपुर के डिपो स्टैंड में। डिपो स्टैंड की बदहाली पे हमने इससे पहले भी खबरें की थी, लेकिन आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस दिन बहने जहां भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए जाती हैं, उस दिन भी इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से इस बारे में कोई तैयारी नहीं की गई है और यहां से बस का परिचालन जो आवागमन है वो काफ़ी बेकार रहा। इसके लिए शिवशरणप्पा SDM को भी आना पड़ा, तब जा करके परिचालन शुरू हो पाया। काफ़ी बहनें यहाँ पर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, इस बारे में कोई खासा अपडेट भी नहीं दिया जा रहा था। गाजीपुर से उज्जवल राय ETV के लिए।